मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं गूगर, देहाती भाषा आयुर्वेदिक नाम में गुग्गल बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसको गंध प्रसारणी के नाम से भी जाना जाता है। यह वनस्पति ऐसी वनस्पति है, इकलौती वनस्पति है बल्कि विश्व में, कि इससे ज्यादा वायु में किसी चीज को भेजने की शक्ति, इसके साथ कोई भी चीज मिला दी जाए, आज तक कोई दूसरे वनस्पति में नहीं इतनी आ पाई है। इसलिए वायु का देवता मानते हैं इसको, और हमारे वैदिक रीतियों में हमारे पंडित लोग जो भी वैदिक संस्कृति में हवन किया जाता है, जब भी आपने देखा हो तो हवन करते समय ऐसी कोई हवन सामग्री आज तक नहीं बनी जिसमें गूगर का प्रयोग ना हुआ। यह सबसे ज्यादा वायु को शुद्ध करने वाली, एक एक अणु बल्कि एक बहुत छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को जितना ज्यादा हवा में जो है सब घूल सकती है, तेज गति के साथ भेज सकती है, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए इस वनस्पति के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, और यह वनस्पति मुख्यतया मध्य भारत में ये और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मगर लोग इसको जानते नहीं है। इसका तना मोटा होता है थूहर की तरह, इसकी पत्तियों में एक मेंथल से पिपरमेंट से मिलती जुलती सुगंध आती है अगर आप मसलते हैं तो, और यह इसको हम भाषा में गूगर कहते हैं। इसके अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो मैंने बताया वैदिक गुण इसलिए बताया कि जो है बिना कोई हवन सामग्री इसके बिना नहीं बनती, और हवन सामग्री में किसी भी रूप के साथ भी इसके मिला देने के बाद कोई भी पौधा मिले तो उस वातावरण में और जल्दी पुष्पण पैदा करती है, इसलिए इसको गूगर कहते हैं। मैं और आयुर्वेद में इसके बारे में बताया जाता है कि जितनी वायुनाशक दवाइयां बनी है या तत्काल प्रभावित करने वाली दवाई जैसे कचनार गूगल या कोई भी गूगल नाम की जो दवाइयां बनी हुई हैं उसमें सब में गूगर का प्रयोग हुआ है और होता है। कहीं भी आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो तो शरीर में सूजन आ गई हो, लीवर की दिक्कत, तो उसके लिए पुनर्वादी बटक के नाम से, वायु में अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा, वायुजनित जितने भी 84 प्रकार का वायुजनित रोग होते हैं उनमें सब में को नाश करने वाली शक्ति अगर है तो गूगल। तो इस गूगल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था कि इसका संरक्षण करना है, संवर्धन, बल्कि मुझे इस बात कहने में भी चिरमात्र भी सही संकोच नहीं हो रहा है कि जो आजकल गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं नेट पर, हो सकता है कि इस पौधे के नाम को कहीं पढ़ करके, क्योंकि वायु में जितना ज्यादा पुष्पण इसका तेज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं तत्काल प्रभाव वाला, उतना ज्यादा गूगल का भी सर्च हो रहा है, इसलिए हो सकता है गूगल वाले महाशय ने इसकी वजह से गूगल नाम रखा हो। मैं कह मतलब मगर मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है इसी बात से प्रेरित हो गया। तो आप ऐसी वनस्पति को पहचानें, ऐसी वनस्पति को देखें, इससे ज्यादा वायुनाशक कोई चीज नहीं है। पेट में जैसे उधर में आपके सूजन हो रही है, गैसेस बन रही है, तो आप इसकी 4-5 पत्तियों को लें, ऐसे ही चबा लें, पेट साफ हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा हो, इसकी 4-5 पत्तियां गाय के दूध के साथ रोज चबा करके ले जाइए, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसकी 4-5 पत्तियां ले लीजिए, किसी प्रकार के साथ कुचल के चूर्ण बना करके, जैसे भी रात को सोते समय पेट साफ हो जाएगा। आपका सिर दर्द हो रहा है, आधा सिर दर्द हो रहा है,
तो उस नाड़ियों में को संकुचित करने के लिए इसकी पत्तियों का लेप लगा लें या इसकी पत्तियों का स्वरस निकाल करके दो दो चार चार बूंद नाक में डाल लें, तुरंत आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा वायु को, वायु में अपनी शक्ति को ये प्रस्फुट करने वाली शक्ति है, भेजने वाली, प्रसारित करने वाली शक्ति गूगल में है, इतनी वनस्पतियों के दूसरे पौधे में नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक, इसलिए इसका नाम गूगल रखा। ठीक है, तो यह जानकारी शायद आपको अच्छी लगी हो, न लगी हो तो आप इस बारे में और भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कंसल्ट ले सकते हैं। बहरहाल ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्यों ने जितनी भी वायु को, वायुजनित रोगों के लिए जो भी औषधियाँ बनाई हैं उसमें गूगल का प्रयोग किया है, और जितने भी आज तक के विद्वान हुए हैं, पंडित वैदिक धर्म के हवन करने वाले जो भी, उन्होंने अपनी हवन सामग्री में गूगल मिलाया गया है। इसका मतलब है कि यह जो है बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी चीज़ है, वातावरण को शुद्ध करने वाली। और आज के युग में जबकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित है, पर्यावरण सही नहीं है, कहीं क्या नाम दुर्गंध आ रही है, कहीं कुछ आ रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ इन गूगल के पौधों को जहाँ पर हमारे क्या नाम तालाब हैं, हर पार्कों में, हर जगह पर जहाँ पर वृक्षारोपण करना है, वहाँ पर अगर हमने गूगल के पौधे का प्रयोग कर दिया तो इसके आसपास गूगल के कम से कम 100 मीटर तक कोई मच्छर भी नहीं पनप पाता है। तो ऐसे पौधों को लगाना चाहिए। और मेरा ये है कि आजकल बरसात शुरू हो रही है और इस पौधे की मात्र केवल डंडी लग जाती है, इसका बीज नहीं उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक डाल को काट करके लगा लें तो लग जाती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस पौधे का संरक्षण और संवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।